आज मैं बना रही हूँ एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, जिसके लिए मैंने रवे को लिया है और इसमें मैंने इसको थोड़ा और हेल्दी बनाने के लिए बेसन को भी मिलाया। इसको मैंने ऑलरेडी पानी घोल के रख दिया था, जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब इसमें मैंने डाला है मिर्ची और नमक, ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ सके। ये बैटर थोड़ा सा और पतला करने के लिए इसमें मैंने पानी डाला है, ताकि ये बैटर अच्छा से हो जाए। और अब मीन्स के बनाएंगे चिले। इसे और टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें राई का तड़का भी डाला है, और इससे इसका कलर भी चेंज हो गया और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। इसको अच्छे से मैंने घोल लिया है, और उसके बाद अब हम एक गरम तवा लेंगे और गरम तवे पे हम अपने चिला बनाना शुरू करेंगे। मैंने इस पे हल्का सा ऑयल लगा लिया है, ताकि ये इस पे स्टिक ना हो, और हम इस बैटर को इस पे चील एक तरह फैलाएंगे। इस बैटर को मैंने थोड़ा सा थिक रखा है, ताकि मैं इसके ऊपर थोड़ी सी टॉपिंग्स डालूंगी। टॉपिंग्स के लिए मैंने लिया है बारीक कटा हुआ टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज। अगर आप इसमें और कोई वेजिटेबल डालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें कॉर्न्स डाल सकते हैं, कॉर्न्स बहुत टेस्टी लगेंगे, या कोई और सीजनल वेजिटेबल जो आपको पसंद है वो भी आप डाल सकते हैं। और आज मेरे पास मेरी फ्रेंड ने प्रसाद भिजवाया था, जिसमें कि कच्चा नारियल था, तो मैंने सोचा लाओ इस कच्चे नारियल के साथ भी थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट दिया जाए। तो मैंने उस कच्चे नारियल को थोड़ा सा घिस लिया था, और मैंने इसकी भी टॉपिंग ऊपर दी है। ये बहुत ही अलग सा फ्लेवर देने वाला है, साउथ इंडियन फ्लेवर देगा। तो मैंने सोचा लाइए आज इस ट्विस्ट को भी ट्राई करके देखते हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर कच्चा नारियल डाला है, और ऊपर से इसमें मैंने हल्का सा सॉल्ट डाल दिया था और थोड़ा सा रिफाइंड साइड्स में डाल दिया, ताकि ये स्टिक ना हो। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर पकने देना है, और उसके बाद इसको पलट के सेकंड साइड से भी हमें इसको पका लेना। और इस तरह से मेरा पहला चीला हो गया है तैयार। सो फ्रेंड्स, मेरा पहला चीला तो हो गया है तैयार। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, और इसमें जो इसका बैटर था उसमें मैंने जो चॉप की हुई सब्जियाँ थी उन सबको मिक्स कर दिया है, और ये जो बचा हुआ नारियल था ये भी मैंने मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसको एक साथ सारी चीज़ें मिक्स करके अब इसके चीले बनाऊँगी। तो फिर से मेरा पहला चीला हो चुका था तैयार। मैं अब फिर से पैन पे थोड़ा सा ऑयल लगाऊँगी, और ऑयल लगा के इस चीले को हम बनाएंगे। और देखिए ये मेरा सेकंड चीला भी हो गया है तैयार। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने अपना दूसरा और तीसरा दो चीले और रेडी कर लिए हैं। सो फाइनली मेरे पास एक चीला है, जिसमें मैंने ऊपर से अपनी टॉपिंग दी थी, और बाकी दो चीलों को मैंने सारे वेजिटेबल्स को बैटर में ही मिक्स कर लिया था। सो मेरे तीनों चीले अब हो चुके हैं तैयार, और मैं रेडी हूँ एक अच्छे हेल्दी नाश्ते के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो मेरे चीले हैं तैयार, और इसके साथ मैंने अपनी आम की चटनी ली है। इसकी चटनी भी, इस चटनी की रेसिपी मैं बहुत जल्दी आपसे शेयर करने वाली हूँ। थोड़े से ग्रेप्स, और मैं कैसे भूल सकती हूँ प्रसाद के नारियल। तो आज मॉर्निंग में मेरा ब्रेकफास्ट है बिल्कुल हेल्दी, यमी, टेस्टी। आपको मेरा आज का नाश्ता रेसिपी कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। और इसी तरह की और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा के रखिए, ताकि मेरे जो भी वीडियोस आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।